हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 10:20 हो रहे हैं और मैं वीडियो को इंट्रो कर रही हूँ। अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, देखिए कुछ से रोक रहेगा, वीडियो में बने रहिएगा गाइस। सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जो कुछ लोगों से थोड़ी देर में पहले चलें, कुछ चाय वगैरह बना लें, नहा वहा चुके, पूजा वगैरह कर लिया, तो अभी कुछ चाय वगैरह बनाएंगे अपने लिए, फिर सब्जी वब्जी देखते हैं। सब्जी तो है तो वही बनाएंगे, ले लेंगे आप लोग से थोड़ी देर में। बाय बाय। और आज वीडियो में कुछ भी नहीं हुआ है गाइस कुछ भी मतलब वीडियो में कुछ रेसिपी वगैरह तो नहीं शेयर किया, क्योंकि खाना ही नहीं बनाया आज। मैं और नैन्सी थे, नैन्सी स्कूल से आई तो इनको मैंने लेके आई थी, खस्ता लेके आई थी और जलेबी लेके आई थी, तो वही मुझे भी दे दी। दो खस्ते लेके आई थी, एक खा लिया मैंने भी, ये भी खाई, तो अब भूख ही नहीं लगी, मतलब खाने का मन ही नहीं हो रहा, खाना खाने का नहीं मन हो रहा है। ये भी बोली मैं भी नहीं खाऊंगी, तो अभी जा रही हूँ अमीनाबाद कुछ सामान लेने। कल से नवरात्रे है, एडवांस में सब लोग को हैप्पी नवरात्रि बहुत बहुत, सब लोग के घर में माता रानी सबको बरकत दें, सबके मतलब अच्छा हो सबके घर में। और जा रही हूँ भाई पूजा का कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ, नैन्सी भी जा रही है मेरे साथ। तो खाना आज कुछ कुछ बनवाई नहीं किया, मुझे भूख लग रही है क्योंकि मुझे दोपहर में खाना चाहिए होता है, अच्छा प्रॉपर खाना मेरे को दोपहर में चाहिए होता है। रात में इतना इशू नहीं रहता खाने का, क्योंकि रात में मैं खाने का बहुत ज़्यादा वो नहीं करती, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया कोई ज़रूरी नहीं रहता है। अब आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी, पहले जा रही हूँ सामान लेके आऊँगी उसके बाद। चलिए फिर आगे के वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा सब लोग गाइस। अभी वीडियो है थोड़ा बहुत, अभी तो शुरू ही हुआ है, देखिए आगे तक रहेगा, कुछ भी रहेगा जो भी रहेगा रात में, देखिए कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ भी करूँ शेयर करूँगी। चलिए फिर अमीनाबाद, अमीनाबाद पहुँच चुके हैं, सामान लेंगे अभी जा रहे हैं। अमीनाबाद आए हुए थे, इतनी तेज़ वाली बारिश यहाँ, बहुत भयंकर वाली होने लगी, बारिश में फंस गए हैं, 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, अभी तो वो नहीं हुआ, देख रहे हैं अभी बारिश बंद हो जाए तो जहाँ और लोग भीगते हुए चले जा रहे हैं, हम ही लोग यहाँ बार बार खड़े हो जा रहे हैं। भीगे नैन्सी की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से खड़े हो जा रहे हैं। चलो चलिए, अभी नहीं हो रही है। फाइनली हम लोग घर पहुँचे किसी तरीके से, अभी 4:20 हो रहे हैं, गए थे 2 बजे। इतनी बारिश बाप रे, इतनी तूफान, उतना ही तूफान उतनी बारिश कि आज के जैसा अमीनाबाद लग रहा है कि मतलब जल्दी मन नहीं होगा जाने का, पूजा का सामान लेना था इसकी वजह से गए, इतना बारिश हुई वहाँ पे कि क्या बताऊँ, पन्नी वगैरह लगी रहती है ऐसे पूरा, बाल वाल सब पूरा कपड़ा उपड़ा भीग गया। यहाँ आई तो यहाँ भी उतनी तेज, रिक्शे हम कैसे तैसे बैठी और वहाँ भी उतनी बारिश हो रही है, भाग भाग के किसी तरीके से घर पहुँची आज, तो भैया हालत ख़राब हो गई पूरी, पूरा दिमाग का पूरा दही हो गया समझ लीजिए आप लोग। वहाँ लग रहा था कि कैसे घर पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, कोई रिक्शे वाले भी, रिक्शे वाले भी नहीं आते जब बारिश वगैरह होती रहती तो रिक्शे वाले भी जल्दी तैयार नहीं होते आने के लिए, क्या बोलूँ कुछ नहीं बोलूँगी। यहाँ आई तो यहाँ देखा पूरा हालत डाल रखी थी धूप में, मतलब सुबह में जो कपड़े धो के डालती हूँ पूरीचे गिरा पूरा सारा, साड़ी थोड़ी सी अटकी हुई थी वो भी नीचे गिर। हेलो एवरीवन, तो अभी रात का बज रहा है 8:30 और मैं जा रही हूँ ये आलू और सेम का चोखा बनाने, और इसको मैंने बॉयल कर लिया है, तो मैं ऐसे चोखा नहीं बनाती जैसे अब इसको मिक्स करके वैसे ही नमक वमक डाल को ऐसे नमक डाल दो तो मतलब बन जाए, क्योंकि इसमें पानी रहता है जैसे बॉयल के लिए रखो तो पानी इसके अंदर हो जाता है, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी तो इसमें सोंधापन आ जाता है, भूनने से थोड़ा सोंधापन आ जाता है। और ये टमाटर मैं इसी में अभी मींजूँगी या तो पहले ऐड कर दूँगी उसके बाद इसको डालूँगी, तो अभी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ, पहले इसको मैश कर लूँ।
अब इसको जैसे मैंने मैश कर लिया तो ये चोखा तैयार हो चुका है। इसमें सरसों का तेल डाल दें या नमक और मिर्ची, अगर खाते हैं तो मिर्ची डाल दें, तो ऐसे भी चोखा बहुत लोग बनाते हैं, अपना अपना तरीका है भाई। इस तरीके से इसमें पानी रहता है तो थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा कढ़ाही में भून लेना चाहिए, तो सौंधापन आ जाता है, पानी सूख जाता है पूरा इसका। तो बना रही हूँ मैं, तेल हो चुका है, तो अभी मैं इसमें मेथी थोड़ा सा ऐड करूँगी, जीरा नहीं डालूँगी, मेथी, ये ग्रीन चिली, मसाले वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, चोखा चोखा ही रहेगा, बस मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी बस। गिनी नहीं थी मैं, लिया होगा, मैंने पूछा ही नहीं था। अभी मैं इसको भून रही हूँ थोड़ा सा, पानी इसका रिलीज अच्छे से हो जाए, सूख जाए, सौंधापन आ जाए, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगी। रात का खाना ये मेरा, सब्जी और रोटी बना रही हूँ, दोपहर में कुछ बनाई नहीं, आज भूखी रह गई पूरे दिन, तो अभी रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में, मसाले वगैरह नहीं डाला है मैंने इसमें। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी गाइस, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ये देखिए, हाथ से